हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के होम स्टाइल मटर पनीर की सब्जी। बहुत ही हेल्दी सब्जी है, बहुत कम से कम मसालों से बनी है और सब होममेड चीजों से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए और हम इस पूरे प्रोसेस को कैसे बनाएंगे। देख लेते हैं होम स्टाइल मटर पनीर सब्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मेरे पास 250 ग्राम जितना मलाई पनीर है, जिसे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी छिड़क के रखी है। सेकंड मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 कटे हुए आलू हैं, जिसे मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था और फिर अच्छे से ठंडे पानी से धो लिया था। जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और जिनको आलू खाना मना है, तो वो इस प्रोसेस से अगर पूरा स्टार्च निकाल लेते हैं तो वो जितनी चाहिए आलू भी खा सकते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा स्टार्च जो है निकल जाता है और उसको अच्छे से फिर मैंने बॉईल करके ठंडे पानी में धो लिया है, तो कोई भी स्टार्च की इसमें कोई भी कण नहीं रहते हैं। अब हमें चाहिए इसमें मटर। यहाँ पर है मेरे पास टमाटर, ये 1 टमाटर है जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं, निकाल कर कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे है मेरे पास ये 2 हरी मिर्ची, इसका भी मैंने बीज निकाल लिया है। बहुत से लोगों को किडनी रिलेटेड इश्यूज होती हैं तो डॉक्टर उन्हें बीज जातीय चीज खाने के लिए मना करते हैं, तो इसीलिए अगर आप इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीज निकाल कर खाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये 1 इंच जितना ग्रेटेड जिंजर, इसे मैंने फ्रेशली ग्रेट किया है। साथ में हमारे पास मसालों में है, यहाँ पे है ये काली मिर्ची का पाउडर, यहाँ है थोड़ा सा गरम मसाला और मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी भुना जीरा का पाउडर, और यहाँ पे है धनिया पाउडर। फोड़न के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी तेज पत्ता, ये 2 तेज पत्ता है। यहाँ पे है सूखी लाल मिर्ची और ये है 1 छोटा चम्मच जितना जीरा। साथ में हमको चाहिए हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और हमें गोटा गरम मसाला के लिए चाहिए ये 3 से 4 इलायची, जिसे मैंने क्रश किया है, और साथ में है दालचीनी का 1 टुकड़ा जिसे मैंने 2 टुकड़ों में बांट लिया है। पूरी कुकिंग हम करेंगे मस्टर्ड ऑयल में, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गरम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, ये 1 टेबलस्पून जितना तेल है, इसे हम गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं डाल दूंगी इसमें हमारी ये पनीर, इसे हम हल्का फ्राई कर लेंगे। पनीर हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसी स्टेज में हम इसे निकाल लेंगे, हम इसे इससे ज्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तेल में हम ये अपने आलू को भी थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेंगे कलर लाने के लिए, और हम इसमें मैंने और इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है, ये पनीर का फ्राई किया हुआ ही तेल है। 1 चुटकी जितना हल्दी डाल लूंगी, डाल के इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे हमें ज़्यादा फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, तो ये पके हुए हैं। बस हमें इसके अच्छा सा एक कलर लाने के लिए हमने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, अब इस स्टेज में हम इसे निकाल लेंगे। अब हम डाल लेंगे 2 चम्मच जितना तेल और इस तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये तेज पत्ता, 1 सूखी मिर्ची और ये 1 छोटे चम्मच जितना जीरा। डाल लेंगे इलायची और दालचीनी। मसाले जब हल्का खुशबू छोड़ने लग जाए तब हम इसमें डाल देंगे हमारे ये ग्रेटेड टोमेटो। डाल देंगे ग्रेटेड जिंजर। डाल देंगे हरी मिर्ची। मीडियम फ्लेम में हम इस पूरे मिक्सचर को अच्छे तरीके से पका लेंगे। टमाटर पक गए हैं, अब हम डाल लेंगे इसमें ये भुना हुआ जीरा का पाउडर और यहाँ पे है धनिया पाउडर, ये है 1 छोटा चम्मच जितना दोनों है। डाल लेंगे काली मिर्ची का पाउडर। डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। डालेंगे 1 छोटे चम्मच जितना हल्दी पाउडर। पूरे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से पका लेंगे, इसमें हम बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, डाल के हम पूरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से पका लेंगे।
मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी स्टेज में ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, गर्म पानी ही इस्तेमाल करें। मसाले पक गए हैं, अब हम डाल लेंगे इसमें मटर, डाल लेंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू और हमारे पनीर। अब मैं डालूंगी इसमें गरम पानी। आप गरम पानी का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना आपको ग्रेवी की जरूरत है। मैंने 1.5 ग्लास जितना गरम पानी डाला है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका लिड खोल देंगे। ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए हम 1 या 2 आलू को अच्छे से स्मैश कर देंगे। इससे क्या होती है कि ग्रेवी हमारी अच्छी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। लास्ट में हम एकदम छोटे चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर डाल के ग्रेवी को बंद कर देंगे। रेडी है गर्मा गर्म होम स्टाइल मटर पनीर की सब्जी। इस टाइप के मटर पनीर की सब्जी का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। रोटी या राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं फिर आपके साथ मिलूंगी एक इसी तरह की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।